हेलो गाइस, वेलकम टू फैक्ट हेवन। जैसा कि आपको पता होगा कि रिसेंटली तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए MH-17 हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई। ये फुटेज उस दिन का है जिस दिन हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। MH-17 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स का सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर में एक माना जाता है, लेकिन आज मैं आपको पिछले 5 सालों में MH-17 हेलीकॉप्टर से हुए हादसे के बारे में बताऊँगा। पहला क्रैश 18 नवंबर 2019 अरुणाचल में हुआ था। इस हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और 3 क्रू मेंबर मौजूद थे, लेकिन खुशी की बात यह थी कि किसी को भी कोई चोट नहीं पहुंची थी। बताया गया था कि यह हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग पर उड़ान भर रहा था, तभी यह हादसा हुआ। दूसरा क्रैश 23 सितंबर 2019 केदारनाथ धाम में हुआ। इस हादसे में सवार पायलट समेत सभी 6 लोग सुरक्षित बच गए थे। यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ से गुप्तकाशी जाने के लिए उड़ान भरने जा रहा था, तभी यह क्रैश हो गया। तीसरा क्रैश 27 फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर में हुआ। इस दुर्घटना में वायुसेना के 6 अधिकारियों सहित एक आम नागरिक की मौत हो गई थी, जहां से पता चला था कि यह हेलीकॉप्टर लापरवाही के चलते अपनी ही मिसाइल का शिकार हुआ था। इस मामले में कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। चौथा क्रैश 3 अप्रैल 2018 केदारनाथ धाम में हुआ। गुप्तकाशी से पुनर्निर्माण सामग्री लेकर आ रहा यह हेलीकॉप्टर हेलीपैड से करीब 60 मीटर पहले ही हादसे का शिकार हो गया था। इस हेलीकॉप्टर में कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें से एक को हल्की सी चोट आई थी और बाकी पूरी तरह सुरक्षित थे। और पांचवा क्रैश 6 मई 2017 अरुणाचल प्रदेश में हुआ। इस हादसे में 5 जवान शहीद हुए थे और 2 अन्य लोगों की जान भी गई थी। वायुसेना के अनुसार इस हेलीकॉप्टर ने सुबह 6 बजे उड़ान भरी थी और उसके कुछ देर बाद यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गाइस, ये 6 हादसे MH-17 हेलीकॉप्टर से ही हुए हैं। भारत ने रशिया से ऐसे 80 हेलीकॉप्टर लिए हैं, जिनमें से 6 क्रैश हो चुके हैं और हो सकता है आगे भी हो। इसलिए भारत सरकार को जल्द से जल्द बाकी हेलीकॉप्टर रशिया को वापस सौंप देना होगा, ताकि आगे चलकर दोबारा ऐसा ना हो। आशा है आपको यह जानकारी काम आई होगी। और कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।